बात करते हैं हैदराबाद के मुतासिरा उन घरों की जो हैदराबाद चंद्रन जुबेल कॉलोनी में जो बारिश से के पानी से ही नहीं बल्कि सैलाब यानी बाढ़ जैसे हालात से बहुत मुतासिर हुए। ना ही उन तक एनजीओ की टीम पहुंची, ना ही कोई और टीम, ना ही एनजीओ के अलावा कोई और टीम जो राहत और बचाने वाले कागजात की टीम होती है उस रात तक कोई नहीं पहुंची। यहां तक सुबह तले हो गई उस वक्त सब लोग पहुंचे। हुकूमत से कैसे है तेलंगाना से अफजल नामी शख्स जो अलजुबेल कॉलोनी में 21 साल से मौजूद है वो गुजारिश करते हैं कि उनके घर का सामान ही नहीं बल्कि उनके साथ जो भी बुरा हुआ है उसकी भरपाई करें। हमारी गुजारिश है अकबर साहब से, केसीआर साहब से कि हमारे बस्ती के जो इतने बुरे हालात है हमारे कि हम बता नहीं सकते, पूरे घर डूब गए। हमारे घर में जो जो भी सामान था सब नुकसान हो गया। 4-5 साल से जो मेहनत करके जमा करे वो पूरा नुकसान हो गया। पैसे चले गए, पेपर चले गए। हम ये साल बस्ती में आके 21 साल हो गया। सुने पूरा नुकसान में है हम लोग। जो भी है हमारी मदद करो। सुने ये 10-10 हज़ार रुपये बांटे हमारे बस्ती में। वो 10-10 हज़ार रुपये से कुछ भी होने का नहीं हमारे खुद ही भाई। ये जो है ना हमारे पब्लिक मदद करी है, किसी की तरफ से नहीं मिला। बाहर के जो लोग हैं दूसरे एरिया के उल्ला आके खाना सप्लाई करे सो हम लोग जी, इनकी उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला। ये गैर लोग करे सो है, दूसरे बस्ती के लोग आके मदद करे। मतलब आपका खायद आप पसंद का वोट दिए लेकिन वो एक आदमी आज आपको आके नहीं पूछा। नहीं पूछे भाई, कोई भी बस्ती में आके नहीं भटके। तो ये 10,000 रुपए से मतलब आपको जो दिए इससे आपको कुछ भी नहीं होता भाई। ये 10,000 रुपए से कुछ भी नुकसान नहीं होता, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। 10,000 रुपए से कुछ भी नहीं होता। हमारे गाड़ियाँ खराब हो गए, पूरा दुख बर्बाद हो गया। हम लोग घर में कुछ भी नहीं रहा भाई। तो ये जो जान बचाने की उसमें हम लोग डूब गए थे, पूरे वाली साहब अम्मी हम लोग पूरे तैर के निकले भाई। क्या टाइम के करीब आया पानी जी? पानी कितने पानी देर पे भाई? 12 फीट तक ऐसा आधा घर डूब गया। टाइम क्या था? टाइम 1:30 बज रहा था। 1:30 बजे के रखत रात में जब हो ही नहीं है जब पानी आ गया जी। पूरी लाइट चले गई थी, कोई नहीं थे मदद करने आ जी जी। लाइट बंद करे जी। तो बच्चों वगैरह को आप लेके घर के जी? बड़ी मुश्किल से वहाँ से तीन लेते गए अम्मी अब्बा हमला थे, बाजू वाले रस्सी खींचे हमारा तैर के निकले हम जी जी। तो खाने पीने का भी जो है सो बाहर की तरफ से खाना वाना सो बाहर वाले मदद करे। थैंक यू सो मच। और हल्के चंद्रगुट्टा अलजुबेल कॉलोनी के मई सेवा में काम करने वाले आदिल हुकूमत तेलंगाना यानी केसीआर से गुजारिश करते हैं कि वो मई सेवा में काम करते हैं लेकिन बारिश के बाद से इस तरह से उनके घर का बुरा हाल हुआ। यानी कि इनके वाइफ प्रेग्नेंट है फिर भी 3 मंजिल तक उन्हें चढ़ाना पड़ा। यानी हैरान करने वाली बात तो ये है उनके वाइफ प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी उनको 3 मंजिला इमारत पर चढ़ाना पड़ा, खतरनाक काम करना पड़ा। ना ही सुबह 6 बजे तक उनको अपने छत पर ही बैठना पड़ा। जरा सोचिए कि प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंसी की हालत में 3 मंजिल पर चढ़ना, इस वजह से उनके वाइफ की हालत कुछ नासाज और कमजोर है। अक्टूबर से जो पानी भरा जी तब से अभी तक जब थोड़ा भरा था हम लोग तब मुतमिन नहीं थे कि अलजुबेल में पानी आएगा सोचे नहीं जी जी। उसके बाद जो पानी ओवरफुल हुआ तो बच्चों ने पहले जाना बचाने की सोचे, वाइफ प्रेग्नेंट थी सबको ये पूरों को निकालने की सोचे जी जी। वाले सबको ऊपर पहुँचाया, पहले 6 बजे तक बैठे हुए थे उन लोग। उसके बाद आधे से ज्यादा हम नीचे कोशिश करें नीचे आने के लिए, पासपोर्ट बचाएंगे, सर्टिफिकेट बचाएंगे, मेरा ऑनलाइन का काम था वो बचाएंगे, तो कुछ भी नहीं बचाना, पैसे तक नहीं बचे कुछ ना, बस बच्चों के जान वगैरह का जो जान बच गई बस जी जी। और जरा बीवी की हालत नाजुक हो गई जो जी जी। सो जो केवल अपन डबल फ्लोर पे चढ़ा दिए, ग्राउंड फ्लोर है अपन डबल फ्लोर पे चढ़ा, इससे मसला। और जितना भी है आप देख सकते हैं 3 साल हो रहा है शादी, कुछ फर्नीचर तो बचा नहीं। आप तो पूरा वीडियो ले लिए
आप वीडियो लियो पूरा लेके, आप क्या कर सकते हो, आप हेल्प करो और मेरे सिस्टम में देख लो, जितने हैं मेरा ऑनलाइन का बिजनेस है, पासपोर्ट मैं जो लोगों के बनाता हूँ उन लोगों के भी पूरे डूबे हुए हैं, तो मैं लोग भी क्या जवाब दूंगा, वो सोचो आप। खाली गवर्नमेंट की तरफ से तो खाली जो लीडर आए 10,000 मिले अपने को अलहमदिल्ला, और वो हुआ बस। सही है ये अपना क्या बोलते हैं, सब पूरा जो पासपोर्टों के फॉर्म अपने को लिखाना जी हाँ। तो सब जो खाने पीने के लिए कपड़े वगैरह ये कोई पार्टी की तरफ से आपको नहीं मिला ना? पार्टी की तरफ से तो नहीं आना जी हाँ, जो भी हुआ आम जनता पार्टी जी हाँ, सिर्फ 10,000 मिले आपको और आपके लिए मतलब जो दवा वगैरह का सामान का था काम था वो कुछ भी नहीं, वो सब पब्लिक की तरफ से हो। लंगे पर निकले वो आम के जोड़े थे वो धोरे वो बस, और दूसरा कुछ नहीं बचा जी हाँ। बच्चा तो फ्रीजा डूबे हुए थे, दरवाजे बंद थे बोले फ्रीजा जी हाँ। और हेल्प के लिए जो मैं आपको ये बात बता रहा था, हेल्प के लिए जैसा कि एलिजिबल में कोई जुबेर नामी शख्स है, उन्होंने नाम उनका मैं जान जुबेर सर जी भाई है जी, जुबेर भाई हमारे जमात के हैं उन्होंने जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दूध दे रहे थे जी जी, दूसरे तीसरे दिन से दूध मिल रहा था जी, खाना खटके मार के खाना दे रहे थे पानी दे रहे थे, हालांकि वो अख्तियार पे नहीं है फिर भी खिदमत लोगों के काम कर रहे थे, काम कर रहे थे जुबेर में खुद काम कर रहे उन्होंने और जितना हो सकता था काम करते ही बोले उन्होंने, अल्लाह चाह तो उन्होंने बोले चावल भी थैले भी दिया हम आपको जी जी, और इंशाल्लाह जितना हो सका उतना मैं करता हूँ बोल के भी बात करे जी हाँ। अब ये चीज आप हुकूमत से होना मिलकर चला रहे हैं, जो भी हुकूमत से जो फैलना ये बात फैल गया मांगू, जो हुकूमत नुकसान हुई हमारा जी जी, थोड़ा नहीं थोड़ा तो भरपाई करना पड़ता, जिसके सर्टिफिकेट आए लोगों के है जिसके जिसके बनाए सो है उनको हमारे जवाब देना है कि पासपोर्ट आ कहा है सब पूछते हैं, एफ आई आर हम अभी लिखाए नहीं लिखाएंगे पूरा तो दर्ज करना पड़ेगा, साथ साथ सिस्टम आपके छोटे बच्चे वगैरह है दूध वगैरह का बोले थे आप हाँ, दूध ये बोलते एक बच्ची है और एक सब्जी है, ये आपके बच्चे के दूध वगैरह उनका वगैरह तो जुबेर भाई बेचारे दे रहे हैं जी जी, अब उसके बाद अपन नहीं कर रहे हैं समझो जो सही है कहाँ से जान देना जा रहे हैं। इसके अलावा HNIF 24 TV के चैनल डायरेक्टर यानी मेरा ऑफिस भी जो हल्के चंद्रकोटा जुबेल कॉलोनी में है बारिश से बड़ा मुतासिर हुआ, जो हल्के चंद्रकोटा जुबेल कॉलोनी में चैनल है ऑफिस HNIF 24 चैनल ऑफिस जो चैनल डायरेक्टर ऑफिस जो मेरा ऑफिस है हल्के चंद्रकोटा में वो भी बड़ा बारिश से मुतासिर हुआ, 4 लैपटॉप और कई सारे ज़रूरी अशिया यानी लैपटॉप्स वगैरह साउंड सिस्टम और सिस्टम्स वगैरह के साथ कंप्यूटर वगैरह तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अलावा कई सारी चीज़ें वहां पर बर्बाद हो गई, और इसके अलावा पानी जाने के सबब कई सारी चीज़ें प्रोग्राम्स लाइव टेलीकास्ट की चीज़ें बर्बाद हो गई। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करते हैं इंटरनेशनल बुलेटिन की। सिटी विद द नोबल इंटेंशन टू प्रोवाइड द राइट टू साइंस टू एवरी सिटीजन, द हॉस्पिटल इन इट्स एंटायरिटी ऑफर्स अ प्लेजेंट एंड वेलकमिंग एटमोस्फेयर टू एनी इंडिविजुअल, वेर इन वेल थॉट कंसर्न एंड केयर आर इन डाउट टूवर्ड्स एड्रेसिंग एस्थेटिक्स एम्बियंस cleanliness and a host of pleasing experiences throughout the stay. Virinchi Hospitals, an experience to the right to science. ये है HNIF News Plus 24 और आप देख रहे हैं।